हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बीट रूट हलवा। और इसे बनाने के लिए मैंने लिए है 3 बड़े बीट रूट और इसके छिलके निकाल के इसे कद्दूकस करके लिया है। घी लिया है, कुछ काजू बादाम के टुकड़े, कंडेंस मिल्क और 1 ग्लास बॉइल्ड दूध, शक्कर और कुछ हरी इलायची 4 से 5। तो अभी इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और इसमें हम बीट रूट डाल देते हैं और इसे हमें अच्छे से भून लेना है, थोड़ा सॉफ्ट होने तक। अब इसमें हम थोड़ा सा घी भी डाल देते हैं। तो घी का इस्तेमाल आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बीट रूट हमारे अच्छे से 5 मिनट के लिए हमने भून लिए हैं और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो अभी इसमें हम बॉइल दूध भी डाल देते हैं। और दूध को हमें सूखने तक मीडियम आंच पे इसे हम ढक्कन लगा के इसे रख देंगे ताकि बीट रूट भी अच्छे से पक जाए। अब इसमें हम हरी इलायची डाल देते हैं। आप हरी इलायची की जगह आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम ढक्कन लगा के इसे दूध सूखने तक इसे पकाएंगे। तो आंच को मैंने थोड़ा कम कर लिया है, थोड़ा मीडियम कर लिया है। अभी देखिए दूध हमारा पूरी तरह से सूख चुका है, इसमें जो हमने जो दूध डाला था वो। तभी इसे हम थोड़ा सा चम्मच से ऊपर नीचे कर लेते हैं। अब इसमें हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। अब इसकी जगह पे आप खोया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंडेंस मिल्क की जगह पे। तब हम इसमें मिठास देखेंगे, ज़रूरत के हिसाब से भी शक्कर डालेंगे। अभी इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ काजू और बादाम के टुकड़े भी डाल देते हैं और शक्कर मैंने देखी थोड़ी सी कम है इसमें, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी शक्कर मिला दी है। तो अभी इसे हमें घी छूटने तक इसे भून लेना है। बीटरूट हम बहुत ज़्यादा खा नहीं पाते हैं तो इस तरह से हम इसका हलवा बना के खा सकते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा घी छूटने लगा है, अभी भी इसे हमें थोड़ी देर के लिए रखना है। तो इसे बनाते समय आप कंडेंस मिल्क या खोया का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, वरना इसमें स्वाद अच्छा नहीं आएगा, सिर्फ हम दूध में बनाएंगे तो। अभी ये पूरी तरह से सूख चुका है इसमें जो हमने दूध या कंडेंस मिल्क डाला था वो, और ये घी छोड़ रहा है।
तो घी का मैंने इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। तो आप इसे इस तरह से बनाकर देखिए, घर पे ज़रूर अच्छा लगेगा सब लोगों को। और इसे घी छूटने तक ही इसे अच्छे से भून लेना है। तो इस तरह से हमारा बीटरूट हलवा रेडी हो चुका है। तब हम गैस को बंद कर देते हैं और आप इसे घर पे ज़रूर बना कर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।